हेलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कितना बढ़िया सा मोमेंटम हुआ एंड यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल हो गया। पर ये लेवल जैसे ही मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया ना, काफी बढ़िया से डाउनफॉल हो गया। अब ये डाउनफॉल क्या है, ये एक्सपेक्टेड डाउनफॉल था या ये डाउनफॉल अचानक से आया? देखिए डेफिनेटली यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड डाउनफॉल था एंड आपको भी यहाँ पे बताया गया था, मॉर्निंग में भी हमने लेवल अपडेट दे दिया था। अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल लाइव मार्केट के अपडेट मिलते हैं। 15,700 प्लस मेंबर्स इसके अंदर ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप भी इसके अंदर आके ज्वाइनिंग जो है वो हो सकते हो। अब सिचुएशन क्या होती है वो पहले तो आप समझिए। यहाँ पे मार्केट कितना बढ़िया सा ऊपर की ओर का लेवल दिखा देता है एंड मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अपने ऊपर के साइड का ट्रेंड दिखाता है, लेकिन जैसे ही ट्रेंड ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाते हुए एक अच्छा खासा डाउनफॉल करता है। अभी अगर आप यहाँ पे ट्रेंड फॉलो करते हो तो आपको एक बात तो पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब मार्केट ऐसे ऊपर क्यों जाने वाला था, उसका रीजन क्या था, वो हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका टाइम फ्रेम भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितना बढ़िया सा अपर साइड का मोमेंटम मार्केट दिला रहा था। अब जब मार्केट अपने को इतना अच्छा जब ऊपर की साइड का मोमेंटम दिला रहा है तो यहाँ पे कोई नीचे की साइड का ट्रेंड लेने का बारे में सोचेगा भी क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेंड कोई नहीं लेता है, मार्केट यहाँ से आता है एंड कंटिन्यूसली अपने ऊपर की साइड के लेवल्स के आसपास तक चले जाता है। जब मार्केट अपने ऊपर के लेवल्स के पास जाता है तो यहाँ से ये नीचे आने की कोशिश भी बिल्कुल नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ये वाली लेवल के आसपास यहाँ पे क्यों रुका है, मतलब ये जो लेवल है मार्केट यहाँ पे अभी वेट क्यों कर रहा है? यहाँ से अभी ऊपर जा सकता है या तो फिर यहाँ से अभी नीचे भी आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी अभी इसके लिए हो चुकी है, लेकिन ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो इस इंपॉर्टेंट लेवल होने का लॉजिक क्या था एंड मार्केट यहाँ पे ही क्यों रुका, यही उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्यों थी, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को बस आपको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करना है ताकि आप वीडियो को देखते देखते उसके अंदर समझते भी रहिए। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है वो आप समझने की पहले बात तो कोशिश करिए। मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर उठता है लेकिन वहां से वापस नीचे आता है, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, वापस मार्केट नीचे आ जाता है, नीचे से वापस ऊपर जाता है एंड वापस से ऊपर से नीचे। अब जब मार्केट इतनी बार नीचे आ रहा है तो नीचे आ तो नहीं रहा, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है लेकिन नीचे आ नहीं रहा एंड यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, वापस थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करता है, वापस ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है। अब जब ये वाली मोमेंट पे होता ये है कि यहाँ पे एक कंफर्मेशन ट्रेड मिल जाता है कि बहुत से लोग अभी यहाँ से सीई परचेसिंग करेंगे। अब यहाँ पे सीई परचेसिंग क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लेवल है ना ये प्रॉपरली ऊपर की साइड का लेवल है एंड जब भी मार्केट इस लेवल्स के पास आ रहा है मार्केट अपने ऊपर की डायरेक्शन का ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन का ट्रेंड दिखा रहा है तो मार्केट नीचे क्यों आएगा? तो यही रीजन था बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपने जो है पीई पर सीई परचेसिंग कर लिया एंड मार्केट ने सभी की सीई वालों का ऐसे यहाँ पे खा लिया। अब सीई वालों का ऐसे खाया तो धीरे से नहीं खाया, बहुत बढ़िया सा ऐसे उनका कैप्चर यहाँ पे कर लिया है। किस तरीके से यहाँ पे उनका एसएल लिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से सीधा डाउनफॉल हो चुका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देखने मिला है यहाँ पे एंड बहुत से लोगों का एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है। अब मार्केट जो है कंटिन्यूअसली जब अपने ऊपर की ट्रेंड में होता है तो आप यहाँ पे ज्यादा करके स्टॉप लॉस को आपका छोटा रखना चाहिए ताकि अगर ऐसी बड़ी मोमेंटम आ जाती है तो आप उसमें से बचे रहे हो। अब यहाँ पे होता ये है कि मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर का ट्रेंड में चलता चलता अचानक से नीचे की ओर का आ जाता है। देखिए लाइव मार्केट का जो भी अपडेट रहेगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा टोटली फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड के हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में, तो डेफिनेटली यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जो हमारा टोटली फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड का यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर लगभग 29,000 मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पे आकर के भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। यानी कि अच्छा खासा जो है एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज के लिए आप यहाँ पे ज्वाइनिंग डेफिनेटली कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या यह मोमेंटम और भी ज्यादा कंटिन्यू ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा या तो फिर यह मोमेंटम और नीचे की ओर का आपको दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे भी मोमेंटम ट्रैपिंग कैसे होता है वो समझने की कोशिश करिए। जो हैमर कैंडल यहाँ पे बनती रहती है वही आपको ट्रैप करवाती रहती है। अब अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से अगर समझोगे तो जो ट्रैप्स क्रिएट हो रहे हैं वो इसी जगह से आपको क्रिएट होते हुए दिख सकते हैं कि अगर ये ट्रैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रैपिंग हो जाओगे। अगर आपको यहाँ पे ट्रैपिंग नहीं होना है, अगर आपको प्रॉपरली वेट करना है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है, वो अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो आपको हर एक वीडियो देखना पड़ेगा। एक दो वीडियो देख करके आपको कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल है जिससे बहुत से सीई परचेसिंग वाले लोग यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, जिसका भी एसएल मार्केट को लेना है तो मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल करने की अभी कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से देखिए कहाँ पे एंट्री होना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए, ये जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपका एंट्री सही जगह पे नहीं रहा, अगर आपका एग्जिट सही जगह पे नहीं रहा, तो आप यहाँ पे बड़े लॉसेस के अंदर कन्वर्ट हो सकते हो विद इन नो टाइम, क्योंकि लॉसेस के अंदर भी आप तुरंत ही कन्वर्ट हो सकते हो अगर आप यहाँ पे जल्दी से एग्जिट नहीं करते हो। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि जल्दी से एग्जिट कर लेना है पोजिशन से एंड जो हमारा प्रॉफिटेबल पोजिशन है उसके अंदर यहाँ पे हमें रहना है।
प्रॉफिटेबल पोजीशन को आपको होल्ड करना है एंड जो यहाँ पे लॉसेस वाली पोजीशन है उसे जल्दी से एग्जिट कर देना है। इसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन वीडियोस हम यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं। अगर आपने इसमें ज्वाइनिंग नहीं किया, हमारा टोटली फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड का यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे आकर के डेफिनेटली आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा टोटली फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड का टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स मिलते हैं, फिर चाहे वो बैंक निफ्टी का हो या वो निफ्टी के हो, हर एक चीज का अपडेट आपको यहाँ पे देखने मिलता है हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में। तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइनिंग कर लीजिए। एक्सपायरी वाले मोमेंटम भी आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आकर के ज्वाइनिंग जो है वो कर सकते हो। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग करने का आपका बेनिफिट क्या है कि लाइव मार्केट का अपडेट आपको मिलता है, लाइव मार्केट का सेंटिमेंट आपको समझने को मिलता है, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है उसका सेंटिमेंट आपको यहाँ पे समझने की कोशिश किया जा सकता है। आप यहाँ पे समझ सकते हो, एक व्यू आपके पास हो सकता है कि कौन सी डायरेक्शन में मार्केट यहाँ पे जाने वाला है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर की ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है या नीचे की ट्रेंड, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। और इसी के साथ में ये भी हम देखने वाले हैं कि यहाँ से जैसे बैंक निफ्टी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, उस अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पे निफ्टी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो निफ्टी के अंदर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होने वाली है, उसका इंपॉर्टेंट टारगेट्स क्या होने वाला है, उसका इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस हमारे कहाँ पे होने वाले हैं, हर एक चीज़ का अपडेट आपको वहाँ पे देखने मिल सकता है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे बात कर लिया बैंक निफ्टी के बारे में, उस तरीके से यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो ये जो निफ्टी है, निफ्टी भी आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, काफी बढ़िया सा अपर साइड का टारगेट में चल रहा था एंड अचानक से निफ्टी का भी यहाँ पे एक डाउनफॉल हो चुका है। क्या ये डाउनफॉल कल नहीं हो सकता था? डेफिनेटली कल भी ये डाउनफॉल यहाँ पे किया जा सकता था, डाउनफॉल हो सकता था, हाई पॉसिबिलिटी चांस थी कि कल भी ये डाउनफॉल हो सकता था, लेकिन डाउनफॉल आज हुआ। इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है, वो भी आपको पूरी तरीके से समझना है, तो वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है ताकि आप देखें समझें सीखते रहिए। चलिए लॉजिक की बात करते हैं कि क्या लॉजिक था जिससे आज यहाँ पे डाउनफॉल हो चुका। बहुत से लोगों ने क्या किया होगा कि मार्केट के अंदर उन्होंने सभी ने बाय की पोजीशन क्रिएट किया होगा, या से भी बाइंग पोजीशन क्रिएट हो चुकी थी। जब भी मार्केट नीचे आ रहा था तो यहाँ पे हर जगह पे बाइंग पोजीशन इनिशिएट हो रही थी। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन इनिशिएट हुआ एंड यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन इनिशिएट हो चुका था। अब अगर हर एक बंदा अगर बाय ही करेगा तो फिर सेल कौन करेगा? सेलिंग भी तो चाहिए मार्केट के अंदर। अगर हर कोई बस बाइंग के बारे में सोचेगा तो सेलिंग कौन करेगा? तो सेलिंग बहुत टाइम से यहाँ पे पेंडिंग थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कहीं पे भी हमें सेलिंग का मौका नहीं मिला। हाँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें सेलिंग का एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्निंग, अच्छा खासा लेवल टारगेट अचीवमेंट हमारा हो चुका था, लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम पे जो होता है कि सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग प्रॉफिट अर्निंग जो होता है वो यहाँ पे हमें कहीं पे भी देखने नहीं मिला। तो जब तक वो देखने नहीं मिल रहा था तो तब तक ये कहना मुश्किल नहीं था कि हमें यहाँ पे एक डाउनफॉल का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। लेकिन जब तक यहाँ पे डाउनफॉल नहीं होता आपको यकीन नहीं होता। जब यहाँ पे डाउनफॉल हो जाता है तो आप कहते हो कि अरे बाप रे, ये तो सी से सीधा पी में चले गया। तो वही चीजें यहाँ पे होती है, मार्केट कौन से टाइम में यहाँ पे सी से पी, पी से सी चले जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। धड़ाधड़ मार्केट जो है फास्ट मूवमेंट करता रहेगा। लाइव मार्केट के अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइनिंग कर लीजिए एंड साथ में हमारा टोटली फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड का टेलीग्राम जो चैनल है इसके अंदर भी आकर के आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। यहाँ पे भी लगभग 15,000 प्लस मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं। यहाँ पे भी लाइव मार्केट के अपडेट्स देखने मिलते रहते हैं आपको, तो यहाँ पे आकर के डेफिनेटली ज्वाइनिंग कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा।